नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीतम कुमार सिंह, प्रधानाचार्य पाठशाला चंदवे। हमारे पाठशाला में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को मैं एक जरूरी संदेश देना चाहता हूं कि अभी जिस तरह से देश में स्थिति, हमारे राज्य में स्थिति बना हुआ है COVID-19 को लेकर के, उसे हल्के में ना ले। बहुत सारे अफवाहें भी फैल रही हैं, उन अफवाहों में ना जाए। सरकार का जो आदेश है उस आदेश का पालन करें, जितना हो सके घर पर रहें, बाहर ना निकले, बार बार हाथ धोते रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। दूसरा संदेश मैं ये देना चाहता हूं कि विद्यालय 14 अप्रैल तक बंद है और जो परीक्षा फल की घोषणा की जानी थी 25 मार्च को, वो हमारे विद्यालय के वेबसाइट www.gbdk.co.in पर जारी कर दिया गया है। आप उस पर अपने बच्चे का रिजल्ट देख सकते हैं। जिन बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग है, रिजल्ट में पेंडिंग दिख रहा है, उन छात्रों को और उनके अभिभावकों को घबराना नहीं है। ये नहीं समझना है कि उनका बच्चा फेल हो गया है। पेंडिंग का मतलब यह है कि किसी कारणवश आपके बच्चे का रिजल्ट रुका हुआ है, जो आपको कक्षा शिक्षक से मिल करके देखना है कि किस जगह या किस आधार पर रिजल्ट रोकी गई है। विद्यालय खुलते ही आप विद्यालय से संपर्क करें, कार्यालय से संपर्क करें और अपने बच्चे का जो प्रोग्रेस कार्ड है वो आप ले ले। साथ ही साथ बच्चों का पढ़ाई बाधित ना हो, ना रुके, इसके लिए हम लोगों ने एक होमवर्क तैयार किया है। ये होमवर्क भी हमारे स्कूल के वेबसाइट पे अपलोड की गई है। आप वहां से ये होमवर्क डाउनलोड करें और अपने बच्चों को उस होमवर्क को करने के लिए बोले या उनकी सहायता भी करें, ताकि उनका जो पढ़ाई है, 20 दिनों का जो पढ़ाई है, वो रुके ना। या बच्चे आपसे ये भी कहते होंगे कि अभी हमारा एग्जाम खत्म हो गया है, अभी तो हमारा रिजल्ट नहीं आया है, तो हम क्या पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, मैं आप लोगों को ये संदेश देता हूँ कि उन्हें घर पर जरूर पढ़ाएं और उसे जो होमवर्क मिली है उससे करने के लिए कहें और आप उनका भी मदद करें। तो इन्हीं संदेशों के साथ आप सभी को धन्यवाद। आप सभी घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अभी लोगों से ना मिलें, सरकार के नियमों का पालन करें, उनका जिस तरह से आदेश आ रहा है उन आदेशों का पालन करें। धन्यवाद।